बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको मटर के रोल बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त जो है वो हमारे मटर वाले रोल बने हैं। तो आज मैं आपको मटर वाले रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मटर वाले रोल बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटर वाले रोल बनाने के लिए मैंने एक कप मटर लिया, उनको बॉयल कर लिए, दो अदद प्याज बारीक चॉप की हुई, दो से तीन हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, एक अदद टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, एक हमें लेमन का जूस चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा हमें सूखा धनिया चाहिए और ये तीन से चार आलू बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में ये मैश किए हुए आलू डालेंगे। इसके अंदर हाँ आधे चम्मच नमक, आधे चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने काली मिर्च, नमक और धनिया डाल के मिक्स करके इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। हम इसमें ये मटर, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। मैं ये हरा धनिया, ये लेमन जूस, ये सारे मसाले इसमें डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम रोल बनाएंगे। इसके लिए हम से आलू लेंगे, आलू को हम इस तरह जो है वो फैला लेंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो मोटा रखना है इसकी तय, क्योंकि इसके अंदर हमने ये जो मटर वाली फिलिंग बनाई है वो इसके अंदर डालनी है। हम चम्मच की मदद से इसमें ये मटर वाली फिलिंग डालेंगे और इसको हम इस तरह जो है वो रोल कर देंगे। हम इसके ऊपर लगा के इसे जो है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। तो ये हमारे जो है वो मटर वाले रोल तैयार हैं और इसी तरह बाकी भी जो है मैं वो सारे फिल कर लूँगी। मैंने सारे रोल जो है वो तैयार कर लिए हैं। मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। रोल को जो है वो अंडे में डिप करेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसको जो है वो चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारे फ्राई हो गए, ऐसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी भी जो है मैं फ्राई कर लूंगी। ये हमारे जबरदस्त है मटर वाले रोल तैयार हैं, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
साले के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।